News 18, India. अगर देश के प्रधानमंत्री को न्योता देना, स्मृति ईरानी जी को न्योता देना, रक्षा मंत्री को न्योता देना गुनाह है, तो मैं इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी को खत्म करने की सुपारी ले रखी है। सियासत संभावनाओं का खेल है, लेकिन अभी तक ना मैंने कुछ छोड़ा है ना मैंने किसी को पकड़ा। इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार नीतीश कुमार जी ने पटना में कर दिया और जयंत चौधरी जी श्राद्ध कर देंगे। स्मृति ईरानी जी को मैं निमंत्रण देने आया हूँ श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह का। मैं भाजपा के नेता के रूप में उनको आमंत्रित करने नहीं आया हूँ। मैं उन्हें एक महान राम भक्त, कृष्ण भक्त, देवी भक्त, कल्कि भक्त के रूप में उन्हें आमंत्रित करने। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से राम मंदिर पर सवाल उठा दिया। नरेंद्र मोदी को न्योता देने पहुंचे तब भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। अगर देश के प्रधानमंत्री को न्योता देना, स्मृति ईरानी जी को न्योता देना, रक्षा मंत्री को न्योता देना गुनाह है, तो मैं इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर पर एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने बीजेपी का और आरएसएस का इस तरीके से बता दिया है। आपको लगता है कि एक के बाद एक लगातार इस तरीके के बयान देते रहते हैं, खासतौर पर सनातन? स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी को खत्म करने की सुपारी ले रखी है और मुझे लगता है 2024 में उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। बीजेपी टिकट देती है, चुनाव लड़ेंगे आप आचार्य जी 24 में संभल से? देखिए, सियासत संभावनाओं का खेल है, लेकिन अभी तक ना मैंने कुछ छोड़ा है ना मैंने किसी को पकड़ा है। ना मैंने अभी तक भाजपा ज्वाइन की है, ना मैंने कांग्रेस छोड़ी है। अब ये फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन अभी आपका एक बयान भी था जिसमें आपने कहा था कि जयंत चौधरी जब प्रयास लग रहे हैं कि वो बीजेपी में आ रहे हैं, आपने ये बयान दिया कि डूबते जहाज में कोई सवार नहीं होना चाहता, इसका क्या मतलब माना जाए? देखिए, इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार नीतीश कुमार जी ने पटना में कर दिया और जयंत चौधरी जी श्राद्ध कर देंगे।